आज जिले भर के वाल्मीकि समाज के नेताओं का जमावड़ा अपने अपने समर्थकों के साथ सुबह से ही समाजवादी पार्टी कार्यालय सिविल लाइन पर लगने लगा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में थे, उन्हें माजरा समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे पता चला कि वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में सैकड़ों की तादाद में लोग सपा की सदस्यता लेने आए हैं। जब समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, डीपी यादव जिंदाबाद और अपने अपने नेताओं की जिंदाबाद कर रहे थे तो मामला और जोशीला हो गया, क्योंकि एक तरफ युवजन सभा के युवाओं का जोश उबाल मार रहा था तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार की उपेक्षा का शिकार वाल्मीकि समाज अपने भविष्य का निर्णय करने जा रहा था। वाल्मीकि समाज से जुड़े पूर्व मंत्री जुगल किशोर, वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता ओमीलाल वाल्मीकि, पूर्व प्रत्याशी धर्मेंद्र मुल्तानी, सुरेंद्र कुमार उर्फ दद्दा, राकेश दानव के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में लगभग 551 वाल्मीकि लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हर हर वाल्मीकि जिंदाबाद के नारे लगाए और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डीपी यादव को चांदी का मुकुट एवं पुष्पों की बड़ी माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और सपा में आस्था जताई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डीपी यादव, पूर्व मंत्री जुगल किशोर, पूर्व विधायक चौधरी समरपाल सिंह, ओमीलाल वाल्मीकि, धर्मेंद्र मुल्तानी, सुरेंद्र कुमार दद्दा, राकेश दानव, गजराम वाल्मीकि, सोनू, नेम सिंह बहेलिया, शिव कुमार, मोहित कुमार, मोहनलाल सोमपाल, श्याम कुमार दौलतराम, ऋषम्बर सिंह, राजकुमार छोटेलाल, हरद्वारी लाल, गुरदीप सिंह, अक्षय सिंह, सनी तोमर, श्याम कुमार सहित सैकड़ों वाल्मीकि समाज के लोग थे। वाल्मीकि समाज द्वारा जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ओमीलाल वाल्मीकि, हमारे वाल्मीकि कमेटी के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र मुल्तानी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई राकेश दानव जी, हमारे नौजवान नेता संघर्ष के साथी भाई दुद्दा जी और हमारे हरिओम जी, प्रेम बाबू वाल्मीकि जी और जितने भी हमारे समाज के हमारे अध्यक्ष भाई सनी भाई और पूरे शहर के और जिले के वाल्मीकि समाज द्वारा हमारे नए जिले के अध्यक्ष आदरणीय डीपी यादव जी का वाल्मीकि समाज माला, पगड़ी और चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत कर रहा है और आपके द्वारा विश्वास प्रकट करवा रहा है माननीय अखिलेश यादव जी को कि मुरादाबाद पूरे प्रदेश का वाल्मीकि समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और वाल्मीकि समाज को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने दिया है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने हमारी बहन बेटियों के बारे में सोचा, उनकी नौकरी के बारे में सोचा, जो सुबह 6 बजे जाती थी उनको 8:30 बजे की सेवा दी। हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि जी के सार्वजनिक अवकाश माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा दिया किया गया। उसके उपरांत ये जो वर्तमान में सरकार है, योगी सरकार, हमारे वाल्मीकि जयंती की छुट्टी खत्म कर दी, जिससे पूरे वाल्मीकि समाज में रोष है। हमारे नेता ने 40,000 की नौकरियां निकाली थी, इस सरकार ने वो भी रोक दी। पूरा वाल्मीकि समाज इस सरकार से पीड़ित है और हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आने वाले 2022 में, जैसा कि अभी हमारे डीपी यादव जी अध्यक्ष जी ने ठाकुर द्वारा में वाल्मीकि समाज ने स्वागत किया था और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि इस बार वाल्मीकि समाज ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा, तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका ऋणी इनका स्वागत करने के उपरांत ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरे जिले का, पूरे प्रदेश का वाल्मीकि समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और जो हमको सम्मान दिया उसी कड़ी में हमने आज डीपी यादव जी का माला पहना के स्वागत किया। धन्यवाद। वाल्मीकि समाज का हमारे पूर्व मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि जी, हमारे नेता ओमीलाल वाल्मीकि जी, प्रेम बाबू वाल्मीकि जी, राकेश दानव जी, धनंदर मुल्तानी जी और दत्ता सुरेंद्र दत्ता जी और सभी समाज के सम्मानित हमारे जो साथी, इनके नेतृत्व में आज बहुत लोगों ने, वाल्मीकि समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी में आने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ओमीलाल वाल्मीकि जी और जुगल किशोर वाल्मीकि जी, धर्मेंद्र मुल्तानी जी, प्रेम बाबू जी, राकेश दानव जी और सुरेंद्र दद्दा जी का बहुत ऋणी है, इनके समाज का बहुत ऋणी है।